सर बताइए। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी में कलर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक 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 तो वो पॉइंट सब याद आपको हो गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड एक दफा रिवीजन कर लें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो D1 से D3 हमेशा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा, याद आया। D2 sp3 होगा हमेशा। D4 से D7 जो होगा वो लिगेंड पर डिपेंड करेगा। अगर वीक लिगेंड है तो आपको आउटर ऑर्बिटल होगा, मतलब sp3 D2 होगा, और स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो D2 sp3 होगा, समझा। उसके बाद केस थर्ड आया था D8 हो, D9 हो, D10 हो, तो हमेशा sp3 D2 होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई थी कि ये जितनी बातें तीन केसेस बताई गई हैं वो 3D सीरीज के लिए है। 4D और 5D सीरीज में हमेशा D2 sp3 होगा, हमेशा इनर ऑर्बिटल। आज के लेक्चर में रीजन समझ में आएगा। चौथी बातें जो आपको बताई गई थी कि ऑक्सीजन डोनर को हम वीक फील्ड लिगेंड कहते हैं, लेकिन इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फॉर CO2H6। ये खुद NCERT की लाइन है, क्योंकि यहाँ पर जेड इफेक्टिव बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो आप पढ़िएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाता है, वो हम अभी पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी बहुत आसान था, वीक फील्ड लिगेंड है तो sp3 है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो dsp2 है, लेकिन अगर d10 है तो हमेशा sp3 होगा। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में कार्बन मोनोऑक्साइड का केस चेक कर लेना है, NiCO4 और FeCO4 का केस मैंने पढ़ाया था, ये sp3 भी हो सकता है और dsp2 भी हो सकता है। क्या मेरी बातें आपको अच्छे से समझ में आई, जल्दी बोलिए हाँ या ना। Yes. अरे बोलिए ना, रिवीजन हो गया सबको? हेलो, यस सर, यस सर, यस सर, थैंक यू। तो मैं देखना चाहता हूँ, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इसको चेक करके अगर बता दिया ना तो मैं क्या बताऊं। FeCO5 ए ऑप्शन sp3d, बी ऑप्शन d2sp3, सी ऑप्शन dsp3, डी ऑप्शन sp3d2। चलिए आंसर दें आराम से। अच्छा एक बात बताइए, तुम लोग नोट्स खोल के देखो, FeCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3 था या dsp2 था, चेक करो तो। FeCO dsp2 तो कुछ में मत चेक करो, FeCO5 है तो डायरेक्ट करो dsp3 इनर ऑर्बिटल। सुना सारे लोग, हेलो एवरीवन, चेक भी कर लेना। हाँ यहीं पर NiCO5 होता ना तो NiCO4 का बताओ sp3 लिखा हुआ है। yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा भाई, NiCO5 yes, ना sir. हाँ तो NiCO5 रहता तो sp3d हो जाता, वही है जो मैंने कार्बो, इसमें उसी तरह करोगे। अगर डिटेल में पूछा जाए तो कार्बोनिल वाला जो केस था कि पेयरिंग भी होगा और 4s के लिए इलेक्ट्रॉन d में चले जाएंगे, तो ये मैं आपको सिखा चुका हूँ। चलिए इसलिए मैं याद दिहाने के लिए आपको पूछ दिया। चलिए टॉपिक डालिए, ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत सारे कंफ्यूजन को दूर करेगा आपको। नाम ही से साबित है, क्रिस्टल है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको कहते हैं CFT। इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आए ना आए, VBT का बहुत ही एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन है CFT। टॉपिक डाल लिया आपने, हेलो एवरीवन। यस सर। हाँ तो वही है, डी वैलेंस बैंड थ्योरी की यही तो लिमिटेशंस थी कि भाई वो लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग फील्ड क्यों है, कुछ लिगेंड वीक क्यों है, उसका रीजन नहीं बताया। आज आप पढ़ेंगे पूरा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। दूसरी बात तो सबसे इंपॉर्टेंट था डीडी ट्रांजिशंस, जो कलर डी ब्लॉक में मैंने बताया था, कलर के दो रीजन है, एक चार्ज ट्रांसफर, एक था डीडी ट्रांजिशन। तो वही तो होगा कि कलर क्यों है, तो आज वही होगा कि डीडी ट्रांजिशन का मतलब क्या है, तो वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएगा कि डी ऑर्बिटल में स्प्लिट हो जाता है, उससे डीडी ट्रांजिशन बनता है, जो आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में सबसे पहली बात ये याद रखिए, गौर से सुने अच्छे से, सबका ध्यान है, पहले बताइए सबका ध्यान है ना। हेलो, वेरी गुड। हाँ 5 मिनट अच्छे से समझिए, उसको मैं बहुत दफा रिपीट करूंगा, आपको क्लास में समझ में आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, अभी कुछ भी मत लिखिएगा। VBT में साइंटिस्ट ने कहा कि भाई देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बिटवीन लिगेंड्स एंड सेंट्रल मैटर आयन।
तो अगर हम लिगेंड और मेटल के बीच कोऑर्डिनेट बॉन्ड को मानते तो ये इसमें वही मैंने कल वाले लिमिटेशन में जो थी कि भाई ये आयनिक कंपाउंड कलर का रीजन डीडी ट्रांजिशन और व्हाई सम लिगेंड्स आर वीक और स्ट्रॉन्गर का एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाया। तो क्रिस्टल फिल्म थ्योरी में सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उन्होंने लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक करैक्टरिस्टिक क्रिस्टल है, जैसे NaCl क्रिस्टल आयनिक, फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, आयंस। सबसे पहला पॉइंट ध्यान देंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने लिगेंड्स और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड को इंट्रोड्यूस किया, आयनिक इंट्रैक्शंस बिटवीन लिगेंड एंड मेटल। तो पहले बताइए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने क्या कंसीडर किया, आयनिक इंट्रैक्शन लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक बॉन्ड। उससे एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन आएगा कि व्हाई सम लिगेंड्स आर वीक, व्हाई सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग या कलर्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने लिगेंड और मेटल के बीच में कौन सा करेक्टर माना, जल्दी बोले, हेलो एवरीवन, आयनिक। उसके लिए उन्होंने लिगेंड को पॉइंट चार्ज, फिजिक्स वाला पॉइंट चार्ज कंसिडर किया। आपको मालूम भी है एनायनिक लिगेंड, तो सर न्यूट्रल में क्या होगा, तो भैया पॉइंट चार्ज बोला एनायनिक लिगेंड के केसेस में, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो उसको पॉइंट डायपोल माना, पॉइंट डायपोल का मतलब NH3 है तो डायपोल तो है, नेगेटिव पॉजिटिव डायपोल बन गया कि नहीं, हेलो एवरीवन, हेलो, यस सर। हाँ तो फिर से सुने, मैं पहले अच्छे से समझाऊंगा, मैं लिगेंड को उन्होंने पॉइंट चार्ज कंसीडर किया या पॉइंट डायपोल कंसीडर किया, अगर एनायनिक लिगेंड है तो पॉइंट चार्ज बोलेंगे, न्यूट्रल लिगेंड है तो पॉइंट डायपोल बोलेंगे, सबसे पहली बात। तो दैट द रीजन मेटल पे तो पॉजिटिव चार्ज होता ही है, तो लिगेंड और मेटल के बीच में आयनिक करेक्टर को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अकॉर्डिंग टू CFT देयर इज अ इंटर आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड। It considers the ligand as a point charge for anionic ligand and point dipole for neutral ligand. पहले ये दो पॉइंट सबको समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताइए आप। चलिए पहले आप यहाँ ये दो पॉइंट लिखते हैं, फिर तीसरा पॉइंट को समझाएंगे। एक मिनट ओफ ओफ इसको काट दीजिएगा, ऐसे लिखिएगा। हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है ना मेरी? देयर इज, हां वो थोड़ा सा लैंग्वेज हो गया, देयर इज इंटर एंड इंटरेक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड्स, ये पढ़ लीजिए।
यहाँ तक लिख लिया? लिख लिया? हेलो एवरीवन, यस सर। देखिए, जब इंटरेक्शन, जब सीएमआई और लिगेंड्स अप्रोच करेगा तो दोनों इंटरेक्शन होगा, अट्रैक्टिव भी होगा एंड रिपल्सिव भी होगा। सर अट्रैक्टिव तो समझ में आ गया कि सेंट्रल मेटल पॉजिटिव है और एनायन पर नेगेटिव है। सर रिपल्सिव कैसे होगा ये समझाइए, रिपल्सिव इंटरेक्शन। तो अट्रैक्टिव तो मैं नहीं लिखाऊंगा, तो रिपल्सिव क्यों होता है? पहले छोटे छोटे पॉइंट सबको लिखिए। रिपल्सिव repulsive interaction is due to negative charge on ligand and electron present in d orbital. याद है ना, transition metal उसको कहते हैं जिसके d orbital में unpaired electron हो, याद है? Hello everyone. Yes. Yes sir. So when central metal and ligands are approaching to each other, then attractive as well as repulsive interactions. Repulsive interaction क्यों होगा? Negative charge ligand पे तो है ही है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी ऑर्बिटल। अगर पॉइंट डाइपोल है तो उसमें भी तो नाइट्रोजन पर था ना नेगेटिव चार्ज, इसलिए रिपल्सिव है। यही मेन है क्रिस्टल थ्योरी में, रिपल्सिव इंटरैक्शन मेन। आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस। चलिए अब मैं फिर दो तीन मिनट समझाऊंगा, और से सुनिए, ध्यान दीजिएगा। आपने पढ़ा ना डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं, बोलिए हाँ या ना। 11th में पढ़ा है ना डी में पांच ऑर्बिटल होते हैं। देखिए आप कोई बोल ही नहीं रहा है, ये अल्लाह। यस सर। हाँ, उसमें मैंने 11th में पढ़ाया था एक्सियल डी, लिखिएगा नहीं अभी प्लीज, एक्सियल डी ऑर्बिटल, और ये कहते थे नॉन एक्सियल। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है जानना, ऐसे पढ़ाया जा चुका है लेकिन दोबारा नॉन एक्सियल। एक्सियल का मतलब होता है हूज लोब्स lying along the axis. तो इसमें आपके पास दो है, dx square minus y square और एक है dz square। आपको बताया गया था इसमें डबल डम्बल नहीं होता है, बीच में सर्कुलर रिंग होता है, लोब्स हैं। और dx square minus y square का बताया गया था जिसके लोब्स along the axis हैं। Whose lobes lying between the coordinate axis,
कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको मैं एक ही बनाऊंगा, यानी इसके लोग बिटवीन द कोऑर्डिनेट, देख लीजिए आप, इसको लिखना नहीं है, और से सुनो अच्छे से आप। तो देखो एक बात बताओ सारे लोग कि जब इंट्रैक्शन होगा, देखिए इधर लिखा गया ना लिगेंड अप्रोच करेगा, तो याद सुनो अच्छे से, याद रखो डी जो होता है ना, डी के पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है, इसको कहते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल, नाम सुना है ना, सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, पांचों की एनर्जी सेम, अब तक यही पढ़ा हम लोगों ने, पांचों की एनर्जी सेम, लेकिन ये भी याद रखिए इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने लिगेंड को पॉइंट चार्ज या पॉइंट डायपोल कंसीडर किया, तब इसकी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। अरे बोलिए हेलो एवरीवन, यस सर, अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फिर से सुने, डी जेनरेसी मेंटेन होती है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड अब डी जेनरेसी मेंटेन नहीं होती, डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाता है, इसलिए इसमें एक को कहेंगे ईजी, दो है तो ईजी है, इसको कहेंगे टी टू जी। डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट करेगा, एक में दो को एक में तीन को रखेंगे, कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा वो अभी बाद में देखेंगे। एक्सियल को ईजी से डिनोट किया गया, नॉन एक्सियल को टी टू जी से। तो देखिए फिर से, अब तक हम लोगों ने पढ़ा कि डी जेनरेसी का मतलब पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी सेम, लेकिन जैसे लिगेंड आएगा तो डी जेनरेसी मेंटेन नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, चार तरफ से खींचेगा, इंट्रैक्शन अलग अलग होगा, इसलिए डी जेनरेसी मेंटेन नहीं होगी। तो डी जेनरेसी मेंटेन ना होने का कॉज है इन द प्रेजेंस ऑफ लिगेंड। In the presence of ligand, degeneracy of d orbital is lost. उसकी वजह से दो पार्ट में ये स्प्लिट होगा। इसलिए तो मैंने कहा था डी ब्लॉक में जब पढ़ाया था डी डी ट्रांजिशन, एक में दो डब्बा एक में तीन डब्बा, इसी को कहा गया डी डी ट्रांजिशन, एक डी से दूसरे डी में। तो बताइए डी जेनरेसी का मतलब सेम एनर्जी होता है, लेकिन जैसे लिगेंड आता है तो डी जेनरेसी मेंटेन नहीं होती, वो दो पार्ट में स्प्लिट कर जाता है, एक को कहते हैं ईजी एक को कहते हैं टी टू जी। ईजी में डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, चूंकि दोनों किलो से लंब एक्सिस है, टी टू जी में तीन आएगा डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। आया समझ में? हेलो एवरीवन, यस सबको समझ में आया और सब लोगों को? हेलो यस सर। हाँ तो फिर से बताइए, लिगेंड जब जैसे आएगा तो क्या डी ऑर्बिटल की डी जेनरेसी मेंटेन रहेगी कि लॉस हो जाएगी? जल्दी बताएं, लॉस हो जाएगी, और डी ऑर्बिटल दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा। यही है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का मेन पॉइंट्स। इसी से पता चलेगा कलर क्यों है, इसी से पता चलेगा जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सम लिगेंड्स स्ट्रॉन्ग और सम लिगेंड वीक क्यों है। तो याद रखिए तो वही है कि due to repulsive interaction, समझा कि नहीं, it causes the splitting in d orbital into two sets, एक सेट का नाम eg, एक सेट का नाम t2g। अब स्प्लिट करके ऊपर कौन जाएगा नीचे कौन रहेगा वो बताया जाएगा आपको। आगे बढ़े, जल्दी बताइए यहां तक। yes. देखिए next point,
हाँ लिख लिया सारे लोग, हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन लिख लिया? यस 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 सर। आप सुने तो भैया, आप स्प्लिट करके कैसे जाएगा वो डिपेंड करेगा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहेड्रल है, वो हम अलग अलग पढ़ाएंगे। पहले अभी जो कुछ पॉइंट तो देखिए, अब डी ऑर्बिटल जब दो पार्ट में स्प्लिट होगा, चाहे टी टू जी ऊपर रहे या ई जी नीचे रहे, वो बाद में देखा जाएगा। तो इसे दोनों के एनर्जी, अब एनर्जी गैप आ गया, इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस मेन पॉइंट। अब यही एक लाइन याद रख लीजिए कि सीएफटी ने लिगेंड को पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, उसने सेंट्रल मेटल आयन लिगेंड के बीच में आयनिक इंटरेक्शन को माना, उसने कहा कि जब लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करेगा तो रिपल्सिव और अट्रैक्टिव दोनों होगा, इसीलिए लिगेंड के प्रेजेंस में डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी मेंटेन नहीं रहेगी, वो दो पार्ट में स्प्लिट करेगा ईजी एंड टी टू जी। इन दोनों के बीच के एनर्जी गैप को हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहेंगे। याद आया, याद हो गया? बोलिए हाँ या ना। हेलो हेलो स्टूडेंट, यस यस, इतने अच्छे से बोलते हैं, यस द एनर्जी डिफरेंस। अरे स्वस्ति, आसिया, लक्ष्य, आरा समझ में? यस सर, यस सर, वेरी गुड। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, the energy difference between two sets of the d orbital is called crystal field splitting energy or stabilization energy. लिख लिया? कुछ तो बोलिए। यस। आप देखिए और अच्छे से, ये तो मेन पॉइंट्स हो गए। अब टॉपिक डालिए सीएफटी इन, तो और अच्छे से आएगा कि स्प्लिट जब होगा तो ईजी कहाँ रहेगा, टी टू जी कौन लोअर एनर्जी पे रहेगा, तो सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। टॉपिक डालिए सीएफटी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
लिख लिया, मैं समझाऊं आप लिख लिया। हेलो yes, देखिए इसमें जो कहा गया गौर से सुनिए। ये अब देखिए इधर ये जो बनाया गया था, एक मिनट ध्यान दीजिएगा कि स्प्लिट तो हो गया। अब देखिए ये है ईजी, तो गौर से सुनिए। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसमें देखिए, पहले देखिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऐसे बनाया जाता है, 6 लिगेंड्स होता है। ध्यान दीजिए एकदम अच्छे से ध्यान दीजिए, इसका मतलब मैं समझा दूं। 6 लिगेंड्स सारा लिगेंड अलोंग द एक्सिस है एक्स वाई और ये जेड। क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताएं सारे लोग। अरे बोलिए, इसलिए इसमें ये लाइन लिखाया गया कि ऑल द लिगेंड्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, लिगेंड अलोंग द एक्सिस, लिगेंड अलोंग द एक्सिस, सब लिगेंड। अब गौर से सुनिए, लिगेंड मान लो ये लिगेंड आ रहा है सेंट्रल मेटल अप्रोच कर रहा है आयनिक इंटरेक्शन की वजह से, और मेटल में डी ऑर्बिटल मौजूद है, लिगेंड्स एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है, तो बताओ इसको रास्ते में बताओ किसके लोब्स अलोंग द एक्सिस है, एम मेटल में किसके लोब्स अलोंग द एक्सिस है, ईजी के कि टी टू जी के, डी ऑर्बिटल में किसके लोब्स, ईजी के है ना अलोंग द एक्सिस मेटल, हाँ ईजी, ठीक है। देखिए लिगेंड जैसे ही आ रहा है तो उसको रास्ते में ईजी पहले मिलेगा। देखो देखो डायग्राम से भी समझो, डायग्राम से भी समझो, लिगेंड्स अलोंग द एक्सिस, यहाँ लिगेंड अलोंग द एक्सिस आएगा तो रास्ते में उसके लोब्स नहीं है, इसीलिए ईजी में रिपल्शन ज्यादा होगा, स्प्लिट होके ईजी ऊपर जाएगा टी टू जी नीचे रहेगा ऑक्टाहेड्रल में। एक तो ये समझ में आ गया कि इट कॉजेस द स्प्लिटिंग, ये पहले पार्ट में मैंने समझा दिया। डिस्कशन इस बात का हो रहा है कि स्प्लिट के बाद ईजी ऊपर होगा कि टी टू जी ऊपर होगा, तो खुद सोचिए ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम इस तरह का है शेप कि लिगेंड्स लाइंग अलोंग द एक्सिस, जैसे एक्सिस के आ रहा है तो एम के डी ऑर्बिटल में ईजी के लोब्स भी अलोंग द एक्सिस हैं, अलोंग द पाथ दोनों में जबरदस्त रिपल्शन होगा, रिपल्शन टी टू जी से भी होगा, रिपल्शन ईजी से भी होगा, लेकिन दोनों का सेम पाथ होने की वजह से, चूंकि लिगेंड्स भी अलोंग द एक्सिस आ रहा है और मेटल के अंदर जो डी ऑर्बिटल है 5d ऑर्बिटल में अलोंग द एक्सिस जो है वो ईजी के हैं, तो तगड़ा जिसको कहते हैं ना तगड़ा रिपल्शन होगा, इसलिए ईजी ऊपर जाएगा टी टू जी नीचे रहेगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन, कोई नहीं बोल रहा भाई, आया समझ में? यस सर। हाँ लिगेंड तो स्प्लिटिंग कॉज तो कर दिया, लिगेंड सारा कॉजेस द स्प्लिटिंग, बट डिस्कशन की ईजी हायर एनर्जी पर रहेगा कि टी टू जी, तो ऑक्टाहेड्रल में ऑल द लिगेंड्स लाइंग अलोंग द एक्सिस सो द ईजी सफर्स मोर रिपल्शन। तो अब ये लाइन का मतलब सबको समझ में आ गया? हेलो एवरीवन, हेलो, यस सर, यस यस, हाँ ये उसके नीचे ये भी बना लीजिए आप लिगेंड्स, ये बना लीजिए। यश जी आ रहा है ना? यश जी आ रहा है सर। थैंक यू। देखिए अलोंग द लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस है, इसलिए अब देखिए इसमें हम डायग्राम बना के समझाते हैं। ऑक्टाहेड्रल में ईजी सफर्स मोर रिपल्शन दैन टी टू जी। लिख लिया? हेलो लिख लिया? हेलो एवरीवन, यस। अब देखिए, अब देखिए कैसे स्प्लिटिंग होती है, ध्यान दीजिए। ये डी जेनरेसी है, मान लीजिए इधर सुनिए, डी के 5 ऑर्बिटल हैं, और से सुनिए,
फ्री मेटल आयन है ये, जब अकेला रहा होगा, ठीक है। व्हेन लिगेंड अप्रोच किया, व्हेन लिगेंड अप्रोचेस टू सेंट्रल मेटल आयन, अब ये दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। यहां पर है प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, देखिए ई जी ऊपर जाएगा और टी टू जी नीचे रहेगा। दोनों के बीच की एनर्जी को हम इसी को कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE, स्प्लिट। आप सुनिए अच्छे से, इसको कहते हैं बैरी सेंटर, मतलब सुनिए, बैरी सेंटर का मतलब ये होगा ऊपर की एनर्जी बढ़ गई और नीचे की एनर्जी घट गई, ये एवरेज लाइन है। सुना, हेलो एवरीवन, हेलो, यस सर, आप सुनिए, दो डब्बा है तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो एनर्जी है, या मैं प्रूफ करूंगा 3/5 डेल्टा नॉट, दो है तो 3 लिख दीजिए, यहाँ से यहाँ तक जो होगा वो 2/5 डेल्टा नॉट और निगेटिव में, इसी बुक में 0.6 डेल्टा नॉट, इसी बुक में 0.2 डेल्टा नॉट, दोनों का डिफरेंस निकालिएगा, समझा कि नहीं, तो हायर में से लोअर को घटाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो वही बतवा डेल्टा नॉट आ रहा है कि नहीं। हेलो, यस, ये अब इसको माइनस 2.5 2/5 क्यों याद रखने का तरीका, ऊपर दो डब्बा है तो 3/5 रहेगा और नीचे जो है 2/5 और नेगेटिव में, मतलब 0.6 डेल्टा नॉट, इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, इसकी एनर्जी घट जाएगी, ये डेल्टा नॉट यही है, एनर्जी डिफरेंस ऑफ ईजी, एनर्जी ऑफ ईजी माइनस एनर्जी ऑफ टी टू जी, डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है, कितना गलत बात है भाई, ये ना समझ में आया? यस सर, ये सब ऊपर की वैल्यू पूछ सकता, इसको मैं प्रूफ करूंगा अभी, पहले कुछ जो बातें इंपॉर्टेंट है पहले उसको मैं समझा दूं, ऐसे याद रखने का तरीका है, दो डब्बा ऊपर है तो 3/5 डेल्टा नॉट, नीचे 3 है तो उसको 2 मिलेगा। हेलो एवरीवन, लिख लिया? नो सर, नो सर, ऐसा ना,
लिख लिया। कोई बोल ही नहीं रहा है, लिख लिया। हेलो एवरीवन, यस डन। अब देखिए आपको एक्यूरेट रीजन मालूम होगा कि क्यों सम लिगेंड स्ट्रॉन्गर है और सम लिगेंड्स वीकर है। सारे को ध्यान दीजिए, फिर हम इसका डेरिवेशंस बताएंगे कि क्यों 3/5 होता है, 2/5 होता है। और से सुनिए, तो दोनों की एनर्जी गैप को क्रिस्टल फिल स्टेबलाइजेशन कहते हैं। नोट में पहले एक लाइन लिखिएगा, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल और बाइटल, किसी सिंगल और बाइटल में इलेक्ट्रॉन पहले से है, ऐसे को दूसरा इलेक्ट्रॉन दीजिएगा तो रिपल्शन होगा, तो उसके लिए एनर्जी देनी पड़ेगी सिंगल और बाइटल। इस एनर्जी को कहते हैं, इस कॉल पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी को टी से गिना जाता है, पहले समझिए। अब गौर से सुनिए, पहला पॉइंट ये हुआ, पहले लिख लिया तो बताइएगा। लिख लिया साइंटिस्ट? यस यस सर। आप सुनिए, हम लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, गौर से सुनिए। ऊपर आपके पास ईजी है और नीचे टूटी, एकदम दो मिनट अच्छे से समझिए। इस दोनों के बीच के गैप को क्या कहते हैं? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी। हेलो एवरीवन, ठीक है? यस सर। आप सुनिए, तीन कॉन्फ़िगरेशन में लिख रहा हूँ, सुनिए सारे लोग। डी वन, तो आपने नहीं पढ़ा ऑफ बॉब प्रिंसिपल में, पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? लोअर एनर्जी में। कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया? हेलो yes. अरे yes. अब देखते रहिएगा, मैं एकदम अलग अलग केस को समझा के, अब रुक जाइए तब आपको ज्यादा समझ में आएगा, ध्यान दीजिए। अगर डी टू होगा, इसलिए देखिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग रहे या फील्ड रहे, हमेशा कॉन्फ़िगरेशन यही रहेगा कि नहीं? बोलिए, क्योंकि रूल है ना, पहले इलेक्ट्रॉन इसको फिर उसको देंगे। हेलो, चाहे वीक फील्ड लिगेंड रहे या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहे, पेयरिंग कॉस्ट थोड़ी ना होगी। हेलो, समझ में आ रहा है? यस सर। हाँ, अब आपको सारा वीवीटी का एक्सप्लेनेशन आएगा। अब सुनिए, डी थ्री जब रहेगा तो दो चॉइन, डी थ्री में भी देख लीजिए, एक दो तीन, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा, हमेशा यही रहेगा कि नहीं? बोलिए, बोलिए ना। हेलो yes. yes, इसीलिए इस डी थ्री और डी वन डी टू में डी टू एस पी थ्री हाइब्रिड है, डी टू आगे से एस पी थ्री हो जाएगा। कोई क्या कह सर, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पियरिंग को कहां पियरिंग कॉज कर रहा है, देख लीजिए, देख लीजिए ना। अरे पहले तो एक एक करके ना सबको देंगे, डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलिए, VBT में हम लोग ऐसे बना के आपको मैंने समझाया था, 1 2 3 वीक। अब यहाँ पर देखिए, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दे दिया कि D3 रहेगा तो भाई T2G में पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 2 3, यहाँ तो पेयरिंग हो ही नहीं सकती है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, दोनों के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन की फीलिंग यही होगी। अब देखिए, हाइब्रिडाइजेशन हमेशा D2SP3 रहेगा। आया समझ में एक्सप्लेनेशन? अरे बोलिए, यस सर। अब ध्यान दीजिए, अरे सबको समझ में आया ना, D3 वाला जो मैंने समझाया था VBT में, और उसका एक्सप्लेनेशन क्रिस्टल फील्ड थ्री और अच्छे से समझा दिया कि नहीं मैंने? हेलो यस सर। आप सुने, अब आइए कि सर D4 है तो क्या होगा? D4 में दो केसेस हैं, कौन से सुन, दो बातें हो सकती हैं, एक दो तीन, चौथा ऊपर जा सकता है, या देखते रहिएगा, ए दो तीन चौथा यहीं जा सकता है। तो देखिए, मैं आपको एक मिसाल देता हूं,
दो है, एक डेल्टा नॉट को हमने क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को 100 जूल मान लिया और पेयरिंग एनर्जी को 50 जूल मान लिया। मान लीजिए कि डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है, तो देखिए यहाँ चौथा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा भाई, हर सिस्टम चाहता है कि हमको स्टेबल मिले, तो देखो इस दोनों के बीच के गैप को हम डेल्टा नॉट कहते हैं। तो देखो चौथा इलेक्ट्रॉन, यहाँ देखो डेल्टा नॉट ज्यादा है कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा ज्यादा है कि नहीं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, जल्दी बोलो। Yes, तो चौथा क्या करेगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर ना जाके वो कम एनर्जी लेकर नीचे ही रहेगा, बोलो हाँ या ना। बूढ़ा आदमी है ना बेचारा, कहेगा हम नहीं जाएंगे ऊपर, हम यहीं नीचे रह लेंगे क्योंकि हमें कम एनर्जी मिलकर स्टेबिलिटी मिल रही है। बोलिए, चूंकि ऊपर जाने के लिए उसको 100 जूल चाहिए, तो चौथा इलेक्ट्रॉन चाहेगा हम इसी में पेयरिंग हो जाए, बोलिए हाँ या ना। हेलो हेलो yes, इसीलिए याद रखिए, यही क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने डिफिनेशन बता दिया कि क्रिस्टल फील्ड अगर पेयरिंग एनर्जी से ज्यादा है तो वह स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, इसलिए पेयरिंग कॉज हुआ, चौथा ऊपर ना जाके यही चला जाएगा। और अगर मैं इसका उल्टा कर दूं कि सर अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें, कौन है, कौन है, कि डेल्टा नॉट पेयरिंग ज्यादा है, मतलब डेल्टा नॉट 50 जूल है और पेयरिंग एनर्जी 100 जूल है, तो बताओ चौथा 1 2 तीसरा, तो बताओ चौथा पेयर होना पसंद करेगा कि ऊपर जाना पसंद करेगा, जल्दी बताओ। ऊपर जाना पसंद, तो यही मिसाल लो कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी अगर कम है तो ये वीक फील्ड लिगेंड, ये डिफिनेशन हो गया। क्या वीबीटी इस तरह का डिफिनेशन दिया था? नहीं, उन्होंने तो कहा था जो पेयरिंग कॉज के लिए उसको स्ट्रॉन्ग फील्ड, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने रीजन बता दिया कि अगर इस दोनों के बीच का गैप ज्यादा है तो चौथा ऊपर ना जाके नीचे ही पेयरिंग कर लेगा, और अगर डेल्टा नॉट कम है तो चौथा ऊपर चला जाएगा। आया समझ में? हेलो एवरीवन, यस यस, हाँ देख लीजिए, डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी है, देन नेचर ऑफ लिगेंड इज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आया समझ में? यस सर, ये है, तो ये एक्चुअल एक्सप्लेनेशन दिया। अरे आसिया को आया, लक्ष्य को आया, हेलो, यस हाँ, कैसे समझाना है वो भी मैंने समझा दिया कि डेल्टा नॉट बहुत ज्यादा है तो चौथा ऊपर ना जाके नीचे ही पेयरिंग हो जाएगा। अब डेल्टा नॉट लेस देन पी है तो ऊपर चला जाएगा, देन नेचर ऑफ लिगेंड इज वीक। यही पूछेगा कि डेल्टा नॉट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है तो नेचर लिगेंड स्ट्रांग होगा। मैंने कहा था ना वीबीटी का एकदम एक्सप्लेनेशन सब देगा, क्रिस्टल फील्ड इज वीक लिगेंड, नेचर ऑफ लिगेंड इज वीक। चलिए लिखिए 3 पॉइंट, तो अब एक्चुअल कॉज को बता दिया, लिख लिया। हेलो एवरीवन, यस, ये दो दूसरा तीसरा अच्छे से समझ में आया कि नहीं, ये पहले बोलिए आप लोग। यस सर, आ गया। यस सर, अब देखिए, अब जो सब भी केस वाइज था देखिए अच्छे से कि D3 में सर आप अब वहां जो था, तो देखिए अब मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। डी ऑर्बिटल जो आपने डेल्टा नॉट लेस देन पी
डेल्टा नॉट लेस देन पी का मतलब वीक फिल लिगेंड है और डेल्टा नॉट ग्रेटर देन पी मतलब स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड है। अब सुनिए, डी वन अगर होगा तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा जल्दी बताओ, टी टू जी में, टी टू जी वन ई जी जीरो, इसका भी एक स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में भी यही एक्सप्रेशन रहेगा कि नहीं, जल्दी बताओ, दोनों सेम है कि नहीं, जल्दी बोलो। yes, देखिएगा ऐसे भी देगा कंफिगुरेशन लिखने को, टी टू जी में ही दोनों इलेक्ट्रॉन जाएगा, ई जी जीरो इसमें भी चाहे स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड रहे यही रहेगा। आप समझ में आए ना, कोई कहेगा अरे ऐसे वीवीटी में मुझे समझाने में उस वक्त दिक्कत आ रही थी, डी टू को वीक फिल लिगेंड में ऐसे लिखेंगे और सर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में कैसे लिखेंगे, तो इसमें भी इस तरह स्ट्रॉन्ग को समझ में नहीं आता, सर आपने कहा था पेयरिंग कॉज करेगा, तो अब क्रिस्टल फिल थ्योरी ने असल रीजन को बता दिया कि पेयरिंग यहाँ पर नहीं होगी, इसलिए नहीं होगी कि टी टू जी में तीन ऑर्बिटल है तो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक करके सब में जाएगा, पेयरिंग उस वक्त तक नहीं होता जब तक ये तीनों फुल्ली अनपेयर्ड ना चला जाए, यह हंस रूल आपने पढ़ा था, इसलिए देखिए चाहे ये स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड रहे या वीक फिल लिगेंड रहे यही रहेगा। आप वीबीटी से कोई कहे नहीं समझ में आए तो उसको क्रिस्टल फिल थ्योरी से समझाइए। डिड यू अंडरस्टैंड? हेलो एवरीवन। आप डी थ्री में भी, अरे बोलिए ना हाँ में हाँ तो मिलाइए, हेलो। yes. T2G3 ये वाला तो और समझ में सबको आया होगा, तो याद कीजिए मैंने नहीं लिखाया था कि D3 रहेगा तो VVT में मैंने ऐसे बनाया था कि ये वीक फिल लिगेंड के प्रेजेंस में है, स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड भी रहेगा तो हमने कहा था कि ऐसे ही रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन दोनों में, तो आपको उस वक्त नहीं आया अरे सर अपने मन से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड की तो डिफिनेशन होती जो पेयरिंग पॉज करे, अब एक्चुअल एक्सप्लेनेशन आ गया कि नहीं आपको कि नहीं भाई T2G में तीन ऑर्बिटल है, पेयरिंग उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के सबको एक एक इलेक्ट्रॉन ना दे दिया जाए, चाहे स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड हो या वीक फिल लिगेंड हो, ये तीनों आपस में डीजेनरेट है तो सबको एक एक ही जाएगा चाहे स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड हो या वीक हो। तो बताइए आप तो अच्छे से समझ में आया, इसलिए हमेशा हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री रहेगा, बोलिए ना बोलिए ना। yes, हेलो अरे आसिया लक्ष्य यश जी बोलिए ना, समझ में आ रहा है? yes, yes. ये तीनों केसेस में हाइब्रिडाइजेशन आपको सिखाया गया था D2SP3। मैंने कहा नहीं था कि क्रिस्टल फिल थ्योरी एकदम और कंसेप्ट को क्लियर कर देगा चाहे स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड हो या वीक फिल लिगेंड हो। ओ माय गॉड, यहाँ तक पहले लिखिए। हाँ लिख लिया ये तीनों केस। हेलो हेलो एवरीवन। यस सर जी, आसिया को आया? आसिया यस सर। हाँ तो अब डी थ्री वगैरह का केस समझ में आया ना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकिन में क्यों नहीं पेयरिंग हुआ था, देख लीजिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी अच्छे से समझा दिया। अब देखिए डी फोर में T2G3 EG1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा लेकिन यहीं पर T2G4 EG0 होगा। हाँ या ना जल्दी बोलिए D4 है। देखिए हमने आपको VVT में कैसे समझाया था, सर देखिए ना ये एक दो तीन चार ये वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में VVT के मुताबिक आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड रहेगा, तो याद कीजिए मैंने नहीं कहा था कि D4 में दोनों तरह का हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp3d2 यहाँ होगा और यहाँ ऐसे पेयरिंग होगी, तो आपके माइंड में उस वक्त नहीं सर इसको क्यों नहीं पेयर किया, ये दिमाग में क्वेश्चन आया था, आपके दिमाग में आया था तो हमने कहा था पेशेंस रखें आगे समझ में आएगा, ये VVT के मुताबिक मैंने बताया था। अब देखिए EG T2G एक्यूरेट बता देगा, देखिए T2G नीचे है EG ऊपर है, अगर वीक फिल लिगेंड है तो पहले एक एक इसमें जाएगा चौथा ऊपर चला जाएगा, इसलिए sp3d2। अब देखिए स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड में कहा गया पहला दूसरा तीसरा चौथा, तो क्या बताइए क्या ये दोनों पेयर्ड हो गया,
बोलिए ना हेलो एवरीवन। तो एक्यूरेट रीजन बता रहा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वो कब बता रहा, जब ई डी दो पार्ट में स्प्लिट होगा, इससे एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन आ रहा है। इसलिए डी फोर में वीवीटी में ऐसे समझाने में आपको उस वक्त थोड़ी सी दिक्कत आई होगी, अब आपको पूरा डाउट क्लियर हो गया। ये स्ट्रॉन्ग, ये वीक फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में इस तरह का कन्फिगरेशन है, या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ऐसा कन्फिगरेशन है। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, चूंकि हम भी पढ़ा है, पहले एक एक करके देंगे, देन पेयरिंग स्टार्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। आया समझ में? हेलो एवरीवन, हेलो हेलो, कोई बोल ही नहीं रहा है। यस सर। तो देखिए दो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आया। अब D5 में T2G3 EG2, इसमें T2G5 EG0, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, D2SP3, यहां पर भी D2SP3, यहां पर हो जाएगा SP3 D2। देखिए मैंने कहा था ना कि D4 से D7 कौन सा केस रहता है, दोनों केस हो सकता है। D6 में देख लें T2G, अब 1-1 सब में हो गया, तो T2G4 EG2, यहाँ T2G से देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अब नहीं है, इसलिए डाया है, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ SP3 D2 है, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन D2 SP3 है। अच्छा बताओ, D7 में हमने आपको ट्रिक्स दिया था ना कि पांचवा, एक देखो इधर मैं अभी बताता हूँ, SP3 D2 इसमें क्या हो जाएगा, T2G6 EG1 D2 SP3। याद करो मैंने नहीं बताया था VBT में D7 के केसेस में, हेलो एवरीवन याद करो, D7 एक दो तीन चार पांच छह सात स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने नहीं कहा था पेयरिंग कॉज करके, एक दो तीन चार पांच छह सात, अब इसको आगे शिफ्ट किया गया था, याद आया तभी तो याद आया आप लोगों को, हेलो गवाही दें। तो देखिए ईजी टी टू जी भी बता रहा है ना, देखिए ना, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ईजी में देखिए ये चला गया, इसलिए इसको खाली करने के लिए आगे शिफ्ट होगा, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन डी टू एस पी थ्री, इसलिए कहा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कि आपने मन से करा दिया, समझा। तो ये है देखिए दो अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है, D4 से D7 में वीक फील्ड लिगेंड में ये, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ये। आया समझ में? हेलो एवरीवन, कोई बोल ही नहीं रहा है, कितनी गलत बात है भाई। यस सर, देखते रहिए। हेलो एवरीवन, लिख लिया? यस सर। तो देखिए डी, सारी बातें दोबारा प्रूफ हो रही हैं, अरे बोलिए ना, नहीं हो रही हैं प्रूफ। हेलो, यस सर, यस सर, हाइब्रिडाइजेशन देखिए दोबारा रिवीजन भी हो गया आपका, कितनी अच्छी बात है ये। अब आइए D8, D9 और D10, याद है मैंने बताया था ये एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, हमेशा SP3। आज देखिए एक्सप्लेनेशन आ जाएगा, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों में कॉन्फ़िगरेशन सेम है, मैं पूरा बनाऊंगा। D8 का ही तो समझाना था, देखिए D8 का मैंने नहीं समझाया था VBT में, देखिए अच्छे से। हेलो एवरीवन, वीक फील्ड लिगेंड है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, तो SP3 D2 रहेगा क्योंकि कोई खाली नहीं है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में मैंने नहीं बताया था आपको,
ओ माय गॉड, ये तो पेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड, और ये दोनों पेयर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर ये दोनों पेयर्ड होगा तो फिर डी टू दो खाली ऑर्बिटल नहीं हो पाएगा। तो कोई कहेगा सर इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया गया, दो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने में ज्यादा एनर्जी, तो याद है इसमें पेयरिंग नहीं हुआ था। आज देख लो, आंखों के सामने देखो ना, आंखें के सामने देखो डी एट को कैसे डेल्टा नॉट यानी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में कैसे फील करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या ये पेयरिंग हो रहा है, बोलिए क्या ये पेयरिंग हो रहा है, बोलिए ना, गवाही तो दीजिए। हेलो, कोई नहीं बोल रहा है भाई, आ ही नहीं रहा है क्या? आ रहा है सर। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 रहेगा। d9 में तो और क्या समझाना, d9 में तो ऐसे ही है, तो ऐसे ही है। आया समझ में? हेलो एवरीवन। यस सर। यस सर, देख लीजिए ये पूरा हाइब्रिडाइजेशन आपका रिवाइज हो गया, एक ही तरह का कॉन्फ़िगरेशन है, चेक कर लीजिए, ये दोनों सेम ही है, यहाँ दोनों सेम, इसलिए एक ही तरह का हाइब्रिडाइजेशन हुआ, दोबारा रिवाइज हो गया आपका, उसके बावजूद आपको ना आए तो ये आपकी गलती है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। आगे बढ़े, यस यस, डन सर। डन। अब सुनिए, टॉपिक डालिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। देखिए द अरेंजमेंट ऑफ, इसी से उन्होंने साइंटिस्ट ने एक सीरीज बना, द अरेंजमेंट ऑफ डिफरेंट लिगेंड, यही असल कॉज है, डिफरेंट लिगेंड्स इन द increasing increasing order of their CFSE value is called स्पेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने कहा था ना कि ligands stronger weaker का actual reason crystal field theory बनाएगा, बताएगा उसके basis पर CFC values called spectrochemical series। आया समझ में? Hello everyone। The arrangement of different ligands in the increasing order of CFC। भाई आपने अभी नहीं पढ़ा, CFC value जितनी ज्यादा होगी वो strong field ligand होगा, ये सबके दिमाग में आया या नहीं आया? Yes sir। हाँ, जितना crystal field splitting energy ज्यादा होगी तो gap बढ़ेगा, gap बढ़ेगा तो चौथा electron ऊपर ना जाके नीचे ही paired हो जाएगा। अच्छा,
लिख लिया? यस सर। अब देखिए, आई बर्बादी, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। पहला लैंग्वेज, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ये पहला वर्ड याद आया। हेलो आई, अरे बोलो ना यार, तुम लोग बोलते क्यों नहीं, बहुत ही खराब बैच है ये। आई बर्बादी सनी, ए सनी, वो क्लास से फरार हो गया। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ठीक है। जैसे फरार हुआ तो दूसरा लोग बन, ओह आवाज निकलते, ओह ऑक्सिलेटो, ओह ऑक्सिलेटो। वो बोला अच्छा ऐसी बात है, सनी क्लास से फरार हो गया। तो दूसरा आदमी अचंभे होके बोला, ओ ऑक्सिलेटो पानी ना वो। तो उसने रीजन बताया कि भाई वो नशा किया होगा, पानी नशा। देखो एनसीएस है ये, यहाँ सनी एस तो सनी, ओ ऑक्सिलेटो पानी नशा, ओ ऑक्सिलेटो पानी नशा। अरे बोलिए ना, हेलो EDTA and ammonia। तो वही बोला ED कहाँ फरार हो गया, तो EDTA and ammonia in North Canada and Colombo, North Canada and Colombo, CO, EDTA and what, and ammonia in North कनाडा एंड कोलंबो। तो सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो है, जानते हैं कौन, ये टॉप बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम सबसे स्ट्रॉन्ग फिर लिगेंड कौन है, सीओ। अरे बोलो सबसे स्ट्रॉन्ग, हाँ सबसे ज्यादा सीएफसी वैल्यू है टॉप। यहाँ से मैं लेफ्ट टू राइट मैं लिख देता हूँ, लेफ्ट टू राइट, तुम लोग टॉप टू बॉटम लिख रहे हो कि लेफ्ट टू राइट लिख रहे हो, जल्दी बोलो तुम लोग कैसे लिख रहे हो, टॉप टू बॉटम लिख रहा हो कि लेफ्ट टू राइट लिख रहा हो? हाँ टॉप टू बॉटम लिख लेना, सीएफसी वैल्यू बढ़ रही है, यही है। देखो एनसीईआरटी में यही है, ऐसे सुनो इधर, क्या मैंने पहले नहीं लिखवा दिया था कि कार्बन एंड नाइट्रोजन डोनर स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होता, लिखवाया था कि नहीं, जल्दी गवाही दो। हेलो यार ये लोग बोलते क्यों नहीं है भाई, देख लो हाँ डेटा से भी देख लो। देखो कार्बन डोनर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन ईडीटी में भी नाइट्रोजन है, और मैंने नहीं बताया था ऑक्सीजन हाइलोजन, और उसमें एक वर्ड शायद सल्फर नहीं लिखवाया होगा, सल्फर डोनर, ये वीक फिल लिगेंड। जैसे मैंने इसमें कोई आपको कॉम्पिटिशन में दे दे डीएमजी डाइमिथाइल डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेट, डाइमिथाइल ग्लाइक्सोमेट में भी देखोगे नाइट्रोजन है तो स्ट्रॉन्ग फिल लिगेंड होगा। मैंने वही लिगेंड्स का नाम लिखा है जो आपके एनसीईआरटी में, उसमें भी एक एक्स्ट्रा लिख दिया NO2, चूंकि NO2 में खुद एनसीईआरटी ने क्वेश्चन दिया इसलिए, बाकी बहुत सारे हैं तो उसके लिए कैसे पता चलेगा, तो ये ट्रिक्स पता चलेगा। सुना? हेलो एवरीवन, हेलो, यस सर। तो इसको इस तरह याद रखिएगा, आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, तो ओह ओह ऑक्सिलेटो, ओ ऑक्सिलेटो पानी नशा, EDTA एंड अमोनिया इन नॉर्थ कनाडा एंड कोलंबो, याद रहेगा सबको। हाँ यार जल्दी बताएं, हेलो एवरीवन, यस सर। हाँ ये ऑर्डर याद रखिए, देखिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्चुअल रीजन को बताया, व्हाई सम लिगेंड्स आर वीक व्हाई सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग, इसका मेन रीजन है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, जब लिगेंड अप्रोच करेगा तो डी ऑर्बिटल की डेंसिटी मेंटेन नहीं रहेगी, स्प्लिट कर देगा।
done. नहीं लिखे, लिख लिया डन। ये सबको समझ में आया? यस हाँ, वेरी गुड। तो ये जो हुआ ना क्रिस्टल फिल्म थ्योरी, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको कार्बोनिल कहते हैं, ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, समझा? आपको देखिए इसी पर क्वेश्चन मान लिया कैसे कभी दे देगा, ऑर्डर ऑफ सीएफसी वैल्यू, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बताओ, आपको दे देगा Fe H2O6 4 माइनस, आपको दे देगा Fe NO2 6, यानी 2 प्लस है, यहाँ 2 प्लस, आपको दे देगा 4 माइनस, C दे देगा FeCl6 4 माइनस, डी दे देगा Fe NH3 6 प्लस 2, अब कहेगा ऑर्डर ऑफ सीएफसी। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा, सेंट्रल मेटल एटम सेम है और सब पे ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 2, चेक कर लीजिए X-6-4, तो प्लस सब में आप X-6-4 सब में प्लस 2 है, तो आप चेक कीजिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नॉर्थ कनाडा है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं, इसकी सीएफसी वैल्यू ज्यादा होगी, उसके बाद डी की होगी, ओ ऑक्सलेटो की होगी, उसके बाद सी की होगी, इस तरह के क्वेश्चन थे। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, आई बर्बादी, सनी क्लास से फरार, ओ ऑक्सलेटो, ये भी मैं निकलवाना सिखाऊंगा कि इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग है तो कितनी है, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ओके स्टूडेंट, हेलो एवरीवन, समझ में आ रहा है ना? देखें इस तरह जिस तरह टीच मैं पढ़ाता हूँ सीक्वेंस वे में, उसी तरह आप घर पे भी सेल्फ स्टडी कीजिए VVT और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को, अब आप मिला के भी पढ़ सकते हैं। लिख लिया? डन सर। चलिए ठीक है,